गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर 3 एंड टुडे वी विल डू पेज नंबर 25। दिस इज सब्ट्रैक्शन फ्रॉम अ नंबर विद जीरोस। हमने सब्ट्रैक्शन कल भी की थे, लेकिन आज जो सब्ट्रैक्शन है इसमें नंबर्स जो हैं विद जीरोस, मतलब उसमें जीरो का यूज किया गया है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए इनमें जीरो का यूज किया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक बात आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन भी करते हैं, अभी तो अपन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के बारे में बता रही हूं आपको। सब्ट्रैक्शन जब भी आप करें तो उसकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए, ठीक है। ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस एंड एच फॉर हंड्रेड। उसके बाद में उसके नीचे की जो लाइन है वो ब्लैंक छोड़नी है आपको, वन लाइन खाली छोड़िए और उसके बाद में आप नंबर लिखेंगे। नंबर्स को भी प्रॉपर लिखना है आपको प्लेस के अकॉर्डिंग, वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है। यह प्रॉपर आप लिख लेंगे तो उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मिस्टेक होने के चांस कम होंगे। अब देखिए कैसे करना है सब्ट्रैक्ट। जीरो माइनस नाइन, मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, बोरो कब करते हैं, जब ऊपर का नंबर स्मॉल है और नीचे का नंबर बिग है। तो स्मॉल नंबर में से बिग नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये नंबर जो पास वाले नंबर से बोरो करता है। अब आप देखिए इसमें ये भी जीरो है, अब जीरो में से नाइन माइनस नहीं होगा तो जीरो क्या इससे बोरो करेगा, लेकिन ये भी जीरो है, क्या है ये भी जीरो है, तो क्या करेगा, ये जीरो पहले इससे लेगा, ठीक है। अब ये जीरो पहले इससे ले रहा है तो यहाँ पे क्या है थ्री, तो ये तो थ्री तो हो जाएगा कट के टू, और ये क्या हो गया टेन, क्या हो गया इस जीरो ने जब इससे वन ले लिया तो ये क्या हो गया टेन। अब टेन से जब इसने ले लिया इस जीरो ने तो ये हो जाएगा नाइन और ये हो गया टेन, क्या हुआ ये टेन हो गया। सबसे पहले आप ये प्रॉपर कर लीजिए, ये जीरो था ये जीरो था, इसलिए पहले इस जीरो ने इससे लिया है, लिया तो ये तो टू हो गया और ये हो गया टेन, टेन से जब इस जीरो ने ले लिया ये टेन हो गया तो ये क्या हो गया नाइन। अब टेन में से नाइन माइनस करेंगे वन, नाइन में से टू माइनस हुआ सेवन एंड टू माइनस वन इज वन। अगेन क्वेश्चन बी, इसमें भी देखिए वन माइनस फाइव, वन इज स्मॉलर देन फाइव, वन छोटा है फाइव से, तो वन क्या करेगा अपने पास वाले नंबर से बोरो करेगा। अब हम यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं जीरो है, तो ये जीरो कुछ दे ही नहीं सकता इसको, तो पहले ये जीरो इससे बोरो करेगा, ये सेवन है सेवन से ये वन जीरो बोरो करेगा तो ये तो हो जाएगा सिक्स और ये क्या हुआ टेन, इससे जब इसने ले लिया वन तो ये हो गया टेन और इस टेन से जब इसने लिया तो ये हो जाएगा नाइन और ये क्या हो गया वन वन इलेवन। अब देखिए इलेवन में से फाइव माइनस करेंगे क्या आया सिक्स, नाइन में से फाइव माइनस हुआ फोर एंड सिक्स माइनस थ्री इज सिक्स थ्री। ओके, बिल्कुल सिंपल है, आपको बस एक बार बोरो करना आ गया तो आप इजी वे में करेंगे। देखिए क्वेश्चन सी, थ्री माइनस फोर, थ्री में से फोर माइनस नहीं हो सकता तो थ्री इससे बोरो करेगा, यहाँ पे जीरो है, है ना, जीरो है तो जीरो इसको कुछ नहीं दे सकता तो जीरो पहले इससे बोरो करेगा, ये सेवन है तो ये सेवन से लिया तो ये तो हो गया सिक्स और ये क्या हो गया टेन, टेन होते ही इसने ले लिया इसे तो ये तो हो गया नाइन और ये हो गया वन थ्री थर्टीन। ध्यान दीजिएगा जो भी आप बोरो का लिखते हैं ऊपर उसको सर्किल में करिएगा। अब बिल्कुल सिंपल, थर्टीन में से फोर माइनस करेंगे क्या आएगा नाइन, नाइन माइनस सेवन इज टू, सिक्स माइनस वन इज फाइव एंड टू एज इट इज। आयस वन में बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन डी करते हैं हम, क्वेश्चन डी में क्या है, फर्स्ट वी विल राइट प्लेस वैल्यू टी एच एच टी ओ एंड सेवन फोर डबल जीरो वन फाइव सेवन थ्री। देखिए इसको फिर हम कर रहे हैं, बाकी ये टू क्वेश्चन है, ई एफ डू योर सेल्फ, आप अपने आप करेंगे, ठीक है। आप देखिए जीरो में से थ्री माइनस नहीं हो सकता, जीरो इज स्मॉलर देन थ्री, अब जीरो इससे बोरो करेगा तो यहाँ पे भी जीरो है, जीरो मीन्स नथिंग, तो क्या है ये जीरो पहले इससे बोरो करेगा तो ये फोर है तो फोर क्या हो जाएगा थ्री और ये क्या हो गया टेन, टेन होते ही इसने जीरो ने इससे ले लिया तो ये हो गया नाइन और
ये हो गया 10। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आया 7, 9 माइनस 7 इज 2। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 से ले लिया था तो ये 3, 3 में से 5 माइनस नहीं हो रहा तो अब 3 इससे बोरो कर लेगा, ये 7 है तो ये हो गया 6 और ये क्या हो गया 13। 13 में से 5 माइनस किया तो 8, 6 माइनस 1 इज 5। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, समझ में आपको आ गया होगा मैं उम्मीद यही करती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है रिपीट CW एंड नोटबुक एंड डू पेज नंबर 25 पेज एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 25 इन बुक। ये आपको आपकी बुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।